बच्चों, आज हम एक और कहानी जिसका नाम है तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा का एक वीडियो देखते हैं। ये किताब एकलव्य द्वारा प्रकाशित की गई है और इसके चित्र कनक शशि ने बनाए हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बाल गतिविधि कार्यक्रम पलिया पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा रूपांतरित कहानी है और एकलव्य द्वारा प्रकाशित की गई है। एक दिन एक घर के ऊपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया। ओहो, कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया, मुर्गी ने सोचा। मुर्गी ने सीढ़ियां उतरते हुए बक्कू बकरे से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? हाँ हाँ देखा है, बक्कू ने कहा। वह मेरी डबल रोटी पर गिरा था, फिर मेज से लुढ़ककर खिड़की से बाहर चला गया। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा, मुर्गी ने छोटी चिड़िया से पूछा। हाँ हाँ देखा है, चिड़िया बोली। वह नाली में से लुढ़कता हुआ उस छेद में चला गया। मुर्गी दौड़कर बाहर गई। उसने बड़कू सुअर से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? तुम्हारा अंडा मेरे सिर पर टपका था, बड़कू बोला। मेरी पीठ से लुढ़ककर मेरी पूंछ के छल्ले में से बाहर निकल गया। मुर्गी दौड़कर मैं आंगन में गई। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा, उसने बत्तख से पूछा। हाँ मैंने देखा है, बत्तख बोली। वह लुढ़ककर बाड़े के पार निकल गया। मुर्गी आगे गई, वहाँ छुटकू खरगोश अंडों पर रंग कर रही थी। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा, उसने छुटकू से पूछा। हाँ मैंने देखा है, छुटकू बोली। एक छोटा सा प्यारा सा अंडा लकड़ी के इस छेद में घुसा है। मुर्गी लकड़ी के दूसरे सिरे पर पहुंची। ओहो, उसने जैसे ही अपने अंडे को देखा वह एक बिल में घुस गया। हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, मुर्गी रोने लगी। मेरा अंडा खो गया, खो गया, खो गया, खो गया मेरा अंडा। लेकिन तभी एक चूही उस बिल में से बाहर निकली। वह बोली, मुर्गी मुझे तुम्हारा अंडा मिल गया, पर उसे कुछ हो गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं। लेकिन उसे उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारे पास एक प्यारा सा चूजा है। मुर्गी बहुत खुश हुई, उसका अंडा तो नहीं रहा लेकिन उसके पास अब छोटू चूजा है। राम राम अम्मा, छोटू चूजा बोला। मुर्गी और खुश हो गई। क्या तुम भी खुश हो? कहानी समाप्त। ये कहानी एकलव्य द्वारा प्रकाशित है, जो कि एक स्वैच्छिक संस्था है जो पिछले कई वर्षों से शिक्षा और जन विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है। एकलव्य का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षा का विकास करना जो बच्चों व उसके पर्यावरण से जुड़ी हो, जो खेल गतिविधि व सृजनात्मक पहलुओं से पर आधारित हो। एकलव्य ने अपने काम के दौरान पाया कि जब बच्चों को स्कूली समय के बाद घर में भी रचनात्मक गतिविधियों के साधन उपलब्ध हों तो स्कूली शिक्षा भी सार्थक हो जाती है। किताबें और पत्रिकाएं ऐसे साधनों का एक अहम हिस्सा हैं। पिछले कुछ वर्षों से एकलव्य ने अपने काम का विस्तार प्रकाशन के क्षेत्र में किया है। एकलव्य के नियमित प्रकाशन हैं मासिक बाल पत्रिका, बाल विज्ञान पत्रिका चकमक, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी फीचर स्रोत तथा शैक्षिक पत्रिका संदर्भ। शिक्षा जन विज्ञान एवं बच्चों के लिए सृजनात्मक गतिविधियों के अलावा विकास के व्यापक मुद्दों से जुड़ी किताबें, पुस्तकाएं तथा सामग्री आदि भी एकलव्य ने विकसित एवं प्रकाशित की हैं। पढ़ना सीख रहे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एकलव्य ने हिंदी में कई चित्रकथाएँ प्रकाशित की हैं, जैसे रूसी और पूसी, चूहे को मिली पेंसिल, नाव चली, मैं भी, बिल्ली के बच्चे, भालू ने खेली फुटबॉल, नटखट गधा, नन्हे चूजे की दोस्त, छुटकी उल्ली। उनमें से कुछ किताबें अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, गोंडी और कोरकू में भी उपलब्ध है। इसी कड़ी में यह किताब तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा
आपने अभी देखी। चित्रकथाएं जरूरी क्यों हैं, आइए जानें इसके बारे में भी कुछ। पढ़ना सीख रहे और हाल में ही पढ़ना सीखे बच्चों को अपने इस नए हुनर को बार बार आजमाने के लिए बहुत सी कहानियाँ चाहिए होती हैं। ऐसी कहानियाँ जो परिचित संदर्भ के इर्द गिर्द बुनी हुई हों, जिनमें कुछ मिले जुले पात्र हों, गिने चुने पात्र हों और जो किसी नई परिस्थिति का सामना कर रहे हों, किसी नए सवाल से जूझ रहे हों, कथा में कुछ शब्दों या वाक्यों का दोहराव हो और कुछ नयापन भी। पढ़ने के शुरुआती स्तर पर चित्रकथाएं इन नए पढ़ाकुओं को ये सब चीज मौके देती हैं। चित्रकथाओं में खूब सारे चित्र होने चाहिए, ऐसे चित्र जिनमें दिलचस्प बारीकियां भी हों, ढूंढने करने खेलने के अवसर भी, और साथ ही हर पन्ने पर एक या दो आसान से वाक्य जो चित्र की बात को पूरा करें। ऐसे में पढ़ते हुए बच्चे खुद ही पूरी कहानी का अर्थ निकाल लेते हैं। अच्छी चित्रकथाएँ अक्सर ज़िंदगी भर के लिए बच्चों की दोस्त बन जाती हैं। आशा है आपको यह किताब पसंद आई। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एकलव्य की किताबें खरीदें और हो सके तो उनको कुछ चंदा भी भेजकर उनकी पत्रिकाओं के सदस्य भी बने, खासकर बच्चों के लिए। धन्यवाद।